अब तक आपने देखा माता की आज्ञा पालना हेतु गोकुल वासियों तथा सभी सखाओं को विरह के दुख में छोड़ कान्हा चले जाते हैं। पूरे वन में अग्नि लगा राहु उन्हें भस्म करने का प्रयास करता है। राहु की प्रचंड अग्नि से रक्षा हेतु कान्हा एक वृक्ष के खोखल में शरण लेते हैं। नंद के घर पर कुटिल राहु की छाया तथा कान्हा के प्रति यशोदा की विरक्तता देख गर्गाचार्य अचंभित होते हैं। अब आगे आपने कुर्ते यशोदा भाभी के व्यवहार में कितना परिवर्तन आ गया है। वृषभानु, ग्रह अपनी दशा बदलते हैं तो मनुष्य की दशा स्वयं बदल जाती है। मैं समझ सकता हूं कि यशोदा की दशा के परिवर्तन का कारण क्या है, किंतु सर्वप्रथम मुझे कान्हा से मिलना है। गुरुदेव, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। गुरुदेव, हमारी चिंता का निवारण कीजिए। ये जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे प्रभु नारायण की इच्छा से ही हो रहा है, और प्रभु की लीला में भला मैं कोई भी हस्तक्षेप कैसे कर सकता हूँ। वृषभानु, राहु के कुप्रभाव को समाप्त करने का एक ही उपाय है, समय। निश्चित अवधि के पश्चात स्वयं ही राहु का कुप्रभाव समाप्त हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस परिवार से राहु काल शीघ्र समाप्त हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये प्रचंड अग्नि, आज ये हो क्या रहा है? और ये स्वर कैसा है? मुझे शीघ्र ये स्थान छोड़कर जाना होगा। किंतु ये कैसी अनुभूति है? ये मेरा गर्भ, ये कैसा मिथ्याभास है? मेरे घर में बालक कैसे हो सकता है? प्रभु, ये आपकी कौन सी लीला है, कैसी माया है? राहु के प्रचंड अग्नि से बचने के लिए नंदलाल छुपे तो वृक्ष के भीतर थे, किंतु ये वृक्ष तो असुर निकले। देवी, मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ ऋण ऐसे होते हैं जिन्हें चुकाने के लिए अल्पकाल के लिए ही सही, किंतु सभी संबंधों को त्यागना पड़ता है। ये वही असुर स्त्री है देवी, जिसका ऋण चुकाने के लिए कान्हा अपने सभी संबंधों को त्याग कर यहां तक आए हैं। किंतु प्रभु, ये असुर स्त्री है कौन? देवी, आपने इन्हें नहीं पहचाना? ध्यान से देखिए, इस स्त्री से आपका अत्यंत गहरा संबंध है। माता त्रिजटा? हां देवी, माता त्रिजटा, जो त्रेता युग में रावण की अशोक वाटिका में आपकी एकमात्र सच्ची सहयोगिनी थी। वो माता त्रिजटा जिन्होंने असुर होने के बाद भी देवत्व और मातृत्व के गुणों का प्रतिनिधित्व किया, और अशोक वाटिका में प्रतिपल पूर्ण भक्ति भाव से आपकी सेवा की। देवी, मुझे सब कुछ स्मरण है प्रभु। अशोक वाटिका में विकट से विकट परिस्थिति में भी माता त्रिजटा ने किस प्रकार मेरा साथ दिया था, और जिस दिन छल पूर्वक रावण ने आपका कटा हुआ शीश मेरे सम्मुख रखा था, यदि उस दिन माता त्रिजटा ने मुझे सत्य का ज्ञान न कराया होता तो उसी दिन मैंने अपने अस्तित्व का अंत कर दिया होता प्रभु।
नियति इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है प्रभु? आप ही मेरे जीवन का आधार है। जब आधार ही नहीं रहा तो मेरा जीवन क्यों? भगवान, आप मेरी एक कैसी परीक्षा ले रहे हैं? मेरे प्रभु से बिछड़ते ही मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए? भला राम के बिना सीता का क्या मूल्य? धिक्कार है मुझे मेरे जीवन पर। हे विधाता, मेरे प्राण ले ले, मेरा जीवन ले ले। शांत हो जाओ पुत्री। माता, देखिए माता, उस पापी रावण ने क्या किया। बस अब मैं और जीवित नहीं रह सकती। मैं शिक्षण अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। नहीं पुत्री, जो तुम देख रही हो असत्य है। ये अधर्मी रावण का मात्र छल है। पुत्री, अपनी माता पर विश्वास रख और उस विश्वास के साथ रावण के षड्यंत्र को देख। सत्य अपने आप ही सामने आ जाएगा। माता, ये अपने सत्य कहा था माता वो। पुत्री, ये असुर नगरी लंका है। यहाँ रावण तुम्हारा विश्वास तोड़ने के लिए अनेक प्रकार के छल करेगा, किंतु तुम मुझ पर विश्वास रखो। तुमने मुझे माता कहा है और माता का धर्म होता है पुत्री की रक्षा करना, तो मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगी। पुत्री पुत्री, मैंने ये मूर्ति तुम्हारे लिए बनाई है, इसे सदैव अपने पास रखना। संसार के सारे अधर्म भी तुमसे छल नहीं कर सकते। माता, ऐसी सजीव प्रतिमा, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आपने इसे अपने हाथों से नहीं अपितु अपने ममता और वात्सल्य से इस प्रतिमा का निर्माण किया। जैसे एक माँ अपने शिशु को आकार देती है, उसी भाव से आपने इस प्रतिमा को बनाया है। धन्यवाद माता। तुम सत्य कह रही हो पुत्री। मेरे हृदय की एक ही अभिलाषा है, श्री राम को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना। मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे जीवन का अंत तब तक ना हो जब तक कि मैं श्री राम को अपने गर्भ में धारण न कर लूं। देवी, उस दिन माता त्रिजटा ने सच्चे हृदय से मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने की कामना की थी। प्रभु, तो क्या तब से अब तक माता त्रिजटा की मुक्ति नहीं हुई थी? देवी, जब तक किसी भी मनुष्य की कोई भी इच्छा अधूरी रह जाए तब तक उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है? मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा के साथ माता त्रिजटा वर्षों तक वन वन भटकती रही, तदुपरांत वह इस वन में आकर जड़वत हो गए। और आज युगों पश्चात उनकी वह अभिलाषा पूर्ण होने जा रही है, क्योंकि आज उन्होंने कान्हा को अपने गर्भ में धारण कर लिया है और अपने सभी संबंधों को त्याग कर कान्हा आज केवल और केवल माता त्रिजटा के लिए उनके पुत्र बन गए हैं। देवी, कहीं ऐसा तो नहीं युगो युगो की मेरी अभिलाषा पूर्ण होने को है? भक्तों पर ऐसी कृपा तो केवल भक्त वत्सल श्री राम ही कर सकते हैं। युग पुरातन ऋण को चुकावे त्रिजटा माँ के
गर्भ में जावे। एक मैया को छोड़ के आए, एक मैया के गर्भ में धाए। सारी संबंधों को तोड़े, पर अपना ऋण कैसे छोड़े। नाथ चतुर्भुज लीला धारी, स्वयं ऋणी है जनहितकारी। युग पुरातन ऋण को चुकावे। चाहे ये अग्नि कितनी भी प्रचंड हो, मेरे गर्भस्थ शिशु का अहित नहीं कर सकती। मेरे प्राण देकर भी मेरे बालक की रक्षा करूंगी। ये कैसी अग्नि है, बुझने का नाम ही नहीं ले रही। यदि ये अग्नि आगे बढ़ गई और मेरे शिशु तक पहुंच गई तो अनर्थ हो जाएगा। इस गर्भ के बालक को बचाने के लिए मुझे ये अग्नि को पार करना पड़ेगा। पुत्र रूप धरी पालन हारी, माँ के उदर में रहे मझारी। यदि प्रभु अपने ऋण को चुकावे, मात भी अपना धर्म निभावे। रक्षा करे जग रखवाले की, भक्त शिरोमणि मत वाले की। पुत्र रूप धरी पालन हारी, माँ के उदर में रहे मझारी। माँ के उदर में रहे मझारी। माता त्रिजटा ने तो अपना धर्म निभा दिया, अब आप भी अपना धर्म निभाइए प्रभु। एक पुत्र के रूप में और एक ईश्वर के रूप में भी। इस समय मुझे जो मातृत्व की अनुभूति हो रही है, इस अनुभूति के लिए तो मैंने युगों से प्रतीक्षा की। नारायण की कृपा से मेरी युगों की प्रतीक्षा का अंत हो गया। किंतु पुत्र, तुम हो कौन और मेरे घर में कैसे आए? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। पुत्र, मेरे गर्भ में स्थान लेकर मुझे पूर्णता प्रदान करने वाले तुम हो कौन? अपने माता को बताओ पुत्र, तुम हो कौन? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ये कैसा प्रकाश है? प्रभु, तो मेरे घर में आपने स्थान ग्रहण किया था, साक्षात नारायण ने। हाँ त्रिजटा, युगों युगों से तो मुझे अपने पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहती थी। और भगवान सदैव ही अपने भक्त की इच्छा के अधीन होते हैं, इसलिए आज तुम्हारे गर्भ में स्थापित होकर मैंने तुम्हारा पुत्र होना स्वीकार किया। आज मैं केवल और केवल तुम्हारा पुत्र हूं त्रिजटा। हे नारायण, हे भक्त वत्सल, आज आपने अपने अधर्म भक्त की भी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। प्रभु, अब मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, कोई भी अभिलाषा नहीं है प्रभु। बस एक कृपा और कर दीजिए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ये कहाँ आ गया मैं? यहाँ ना तो अग्नि है जो मुझे जलाना चाहती थी, ना वो वृक्ष जिसने मुझे शरण दी थी। मैया सत्य कहती है, जहाँ विश्वास होता है वहाँ कोई समस्या नहीं होती।
इसका अर्थ ये है प्रभु कि त्रिजटा के उद्धार के लिए आपने ये संपूर्ण लीला रची थी। धन्य है प्रभु आप जो अपने भक्तों की प्रत्येक इच्छा उनकी सभी मनोकांक्षाएं पूरी करते हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान को मेरा सत सत प्रणाम। कहां गया यशोदा का लल्ला? अरे उसे नदी लील गई या वृक्ष खा गया? अरे वो तो कब का ये वन पार कर चुका है, किंतु कैसे? एक नन्ना बालक राहु की अग्नि को कैसे लांग सकता है? ये केवल संयोग था या विष्णु की लीला? मुझे ये ज्ञात करना ही होगा। कान्हा, तू राहु की दृष्टि से कभी दूर नहीं जा सकता, क्योंकि राहु की पूर्ण दृष्टि तुझ पर और तेरी मैया पर भी है। खाने में रहते हुए मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती, किंतु वन में इतनी भूख क्यों लग रही है? मैया ने मुझे घर निकाला दे दिया, माखन खिलाकर निकालना चाहिए था। पोटली, मैया ने मुझे पोटली क्यों दी है? कहीं इसमें माखन अशी इसमें माखन होगा? माखन, मुझे पता था मैया मुझसे कितना कुपित हो जाए, किंतु मुझे माखन देना नहीं भूल सकती। जब तक ब्रजमंडल वासियों और ग्वालों को मक्खन मिलना प्रारंभ नहीं हो जाता, तब तक मैं भी माखन नहीं खाऊंगा। ये मेरा प्रण है, प्रण। भूखे कारण तो मैं अपना प्रण भी भूल गया था, किंतु मैया कहती है प्राण जाए पर वचन न जाए, इसलिए चाहे मुझे कितनी भूख लगे किंतु मैं अपना प्रण नहीं तोड़ूंगा। तोड़ूंगा भी तो मैया के हाथों। किंतु भूख तो बढ़ती ही जा रही है, क्या करूं? बेर, कितने सारे बेर? आज मैं पेट भरकर बेर खाऊंगा। नारायण नारायण। प्रभु, नंदलाल तो स्वयं परम अवतार है, वे समस्त संसार की वेदना और पीड़ा को हरने में सक्षम है, किंतु एक छोटा सा शूल चुभने के कारण वे इतना अधिक व्यथित हैं। इसका क्या कारण है प्रभु? देव ऋषि, ये शूल कान्हा के चरण पर एक विशेष स्थान पर चुभा है, जिसे पदम कहते हैं। इसी पदम के भीतर संसार के समस्त भाव और संवेदनाएं बसती, यही वह स्थान है जहां कान्हा संसार के सभी सुखों और दुखों को अपने भीतर स्थान देते हैं। इसलिए शूल का चुभना कान्हा के जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है देव ऋषि। नारायण नारायण, मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। देव ऋषि, कान्हा का इस संसार में आने का एक निश्चित उद्देश्य। जिस दिन कान्हा का वह उद्देश्य पूर्ण हो गया और उनके पदम में स्थित सभी भाव समाप्त हो गए, उसी दिन कान्हा की संसार से यात्रा समाप्त हो जाएगी। आज कान्हा को संवेदनाओं से भरे उसी पदम में शूल चुभा है, यही कारण कि आज कान्हा इतने व्यथित हैं।